प्रयागराज मेजा ग्राम सभा पट्टीनाथ राय में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें प्रधान नेहा संदीप कुमार मिश्रा, प्रधान संघ उपाध्यक्ष उनके पिता मोहिनाथ मिश्रा व अन्य लोग उपस्थित रहे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। सहारनपुर देहात कोतवाली पुलिस ने टपरी क्षेत्र से फाटक के पास एक प्लॉट में टीन शेड डालकर चल रही अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री पकड़ी है। पुलिस ने 2022 के विधानसभा चुनाव को सकुशल संपन्न कराने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा अपराधियों के विरुद्ध धरपकड़ अभियान जारी है, ताकि चुनाव के दौरान आपराधिक घटना ना घट सके। पुलिस ने अपराधियों पर शिकंजा कसते हुए देहात पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले बदमाश के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध हथियारों का जखीरा सहित उपकरण भी बरामद किए हैं। पकड़े गए बदमाश नवाब पर पहले से एक दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने एक तमंचा बनाने वाली फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है, जिसमें कुल 21 तमंचे बने अधबने मिले हैं वहाँ पे फैक्ट्री में। एक बदमाश गिरफ्तार हुआ है जो वहाँ पे काम कर रहा था, इसका एक साथी अभी फरार है जिसकी हम तलाश कर रहे हैं, और ये अच्छा बदमाश है। इसके ऊपर करीब एक दर्जन से अधिक मुकदमे पहले से भी दर्ज हैं, और जितने भी उपकरण होते हैं तमंचा बनाने के सब उसके पास से बरामद हुए हैं, और इससे अभी हम लोग और पूछताछ कर रहे हैं। तमंचा का काम बनाने का काम इधर ये बहुत तेज़ी से कर रहा था, रोज 3 से 4 तमंचे तैयार कर रहा था, और अभी इसने कहाँ कहाँ इन तमंचों की सप्लाई कर रहा है, इसके पूरी चेन का हम पता कर रहे हैं, और उनको भी आगे और गिरफ्तारी और बरामदगियाँ होगी। इसमें जहाँ काम चल रहा था, संजू जो है जिनके प्लांट में काम चल रहा था, उनको इसकी जानकारी नहीं थी, उनका नाम नहीं है। हाँ, इसमें जो ये जहाँ पे फैक्ट्री चल रही थी, ये इधर आप इधर देखेंगे नागल लोट पे टपरी के पास एक संजू का प्लाट था, उसमें एक टीन सेट नुमा कपड़ा था, वहाँ पे चल रही थी। इसके बारे में संजू को जानकारी थी या नहीं थी, इसके बारे में अभी हम पता कर रहे हैं। इनका कहना था कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं था, सुनसान था। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट।